हाई सो दिस इज़ लेक्चर फोर ऑन केमिकल इक्वेजन्स एंड रिएक्शन और लास्ट uh, लेक्चर में हमने तीन तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी दैट यूर कॉम्बिनेशन डी कॉम्पोजिशन एंड सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन आज हमें दो रिएक्शंस पढ़नी हैं और साथ में दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वील कंक्लूड विद दिस लेक्चर ओके तो आज हमें पढ़ना है डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था सिंगल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था मतलब एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस कर रही थी अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस टाइप की होगी इस टाइप की देखो ये एक कंपाउंड है ठीक है जिसमें फर्स्ट पार्ट वुड बी मेटल एंड सेकेंड पार्ट वुड बी नॉन मेटल इज दैट क्लियर सिमिलरली ये भी दूसरा कंपाउंड है जिसमें वन पार्ट इज योर मेटल एंड दूसरा पार्ट इज योर नॉन मेटल अब इधर क्या होता है आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं आयन्स कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं देखो ये आपका पॉजिटिव आयन है और ये क्या है आपका नेगेटिव आयन इसको पॉजिटिव वन बोलो और इसको नेगेटिव वन बोल दो सिमिलरली इसमें इट इज़ पॉजिटिव टू एंड इधर इसका नेगेटिव टू दैट क्लियर तो क्या होगा अब जो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव टू के साथ बनाएगा बॉन्ड ठीक है तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा एंड सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ बनाएगा तो समझ आया थोड़ा मैसी नहीं हो गया हो तो क्या हो रहा है ये वाला पॉजिटिव था है ना तो ये इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला जो पॉजिटिव है सॉरी uh, ये वाला जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है ठीक है क्लियर है तो अगर मुझे लिखना हो रिएक्शन को तो कैसे लिखेंगे सपोज दिस इज़ ए बी एंड दिस इज योर सी डी तो हो क्या रहा है दिस ए विल कंबाइन विद योर दिस डी एंड विल फॉर्म ए डी एंड ये बी और सी कंबाइन होकर क्या बनेगा क्या ये बी सी सही लिखा है मैंने देखो बी सी क्या बन रहा है बी इज़ नेगेटिव सी इज़ पॉजिटिव तो क्या मैं बी सी लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती क्योंकि जब भी भी हम लिखते हैं तो पॉजिटिव पहले आता है नेगेटिव बाद में आता है तो ये बी सी नहीं होगा ये क्या होगा सी बी एग्जैक्ट क्लियर दिस विल बी सी बी ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये लिखना चाहिए कि ए बी प्लस सी डी विल गिव यू ए सी प्लस बी डी क्या ये सही है देखो आ, अगर हम ए बी और सी डी को कंबाइन करके ए सी लिख रहे हैं मतलब ए और सी ए सी तो दोनों दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना विच इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव हमेशा हम पहले लिखेंगे ठीक है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फर्स्ट वन सेकेंड वन ए बी प्लस सी डी गिव्स डी ए प्लस सी बी ओके डी ए डी ए क्या हो रहा है डी इज़ नेगेटिव एंड ए इज़ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हम अगेन नहीं लिख सकते पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव ठीक है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना मेटल नॉन मेटल है एक दूसरा भी मेटल नॉन मेटल है पहला मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ और दूसरा वाला जो नॉन मेटल है वो सॉरी पहला वाला जो नॉन मेटल है वो दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा सिंपली आयन्स एक्सचेंज होंगे ठीक है ओके okay. तो हम बोल सकते हैं दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा जिंक सल्फेट है आपका और ए जी सी एल है ठीक है तो जिंक देखो पॉजिटिव है सल्फेट आपका नेगेटिव आयन है सिमिलरली इधर आपका ए जी पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव है तो ये जो जिंक पॉजिटिव है ये सी एल नेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा जेड एंड सी एल टू वैलेंसी का ध्यान रखते हुए एंड ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव के साथ ए जी टू एस ओ फोर बनाएगा ठीक है अब दिमाग में क्वेश्चन आता है हाउ इज़ सिंगल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट और ये क्या रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगी मतलब सिंगल में तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह पढ़ी थी ठीक है तो उसमें क्या था उसमें सिंपली एक मेटल आ रहा था एक कंपाउंड के साथ या फिर नॉन मेटल आ रहा था एक कंपाउंड के साथ इधर क्या है दोनों कंपाउंड तो इधर सिर्फ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और इसका रिएक्टिविटी सीरीज से कोई लेना देना नहीं है ठीक है इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में नहीं रखनी है फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाउ okay. एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है दैट देर आर समबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच आर ऑल्सो प्रेजिपिटेशन रिएक्शन अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रेजिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है जब आपके प्रोडक्ट में एक प्रेजिपिटेट बन जाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल इधर देखो ए एल सी एल थ्री प्लस एन एच फोर ओ एच Al क्या है आपका पॉजिटिव है Cl आपका नेगेटिव है इधर NH4 आपका पॉजिटिव है OH नेगेटिव है तो देखो बन क्या रहा है यहाँ पे ए एल यानी Al ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंबाइन कर रहे हैं मतलब ये है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज फॉर श्योर और प्रेजिपिटेशन प्रेजिपिटेट भी बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें प्रेजिपटेशन भी हो रहा है ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है दैट क्लियर तो एक स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है दैट ऑल द प्रेजिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट रिएक्शंस, रिएक्शन दैट क्लियर क्या सही है ये? सारी जहां पर भी प्रेजिपटेट बन रहा होगा ऑल द रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट ओके बट जहां जहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे प्रेजिपिटेट मिले वो जरूरी नहीं है ठीक है तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान से समझना ऑल राइट ओके ओके द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी क्या होती हैं जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर देता है ठीक है तो नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें तो देखो एच सी एल इज एन एसिड एन ए ओ एच इज़ एंड इज़ अ बेस ठीक है तो इधर देखो एच पॉजिटिव आयन सी एल नेगेटिव एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव तो ये एच पॉजिटिव आपका ओ OH एच के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है और ये एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव मिलकर एन ए सी एल बना रहे हैं विच इज़ अ सॉल्ट ठीक है तो ये भी डबल डिसप्लेसमेंट है क्यों क्योंकि आयन्स का एक्सचेंज हुआ है तो डबल डिसप्लेसमेंट में बस ये याद रखना है क्या कि आयन्स क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है इज़ दैट क्लियर ओके द नेक्स्ट रिएक्शन इज रेड ऑक्स रिएक्शन ठीक है सबसे ज़्यादा आई वुड से कन्फ्यूजिंग होती है तो इसे ढंग uh, से समझ लो रेड ऑक्स रिएक्शन रेड ऑक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिल के बना है वन इज़ योर रेड एंड अदर इज़ योर ऑक्स ठीक है दोनों का मतलब हमें पता है रेड का और ऑक्स का ठीक है तो जो मतलब आपको पता है वो नहीं होता है रेड का मतलब क्या है लाल नहीं रेड आक्शन ठीक है रेड क्या है रेड आक्शन एंड ओ एक्स ऑक्स इट इज ऑक्सीडेशन ठीक है तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अब ये क्या होता है वो भी okay? तो मैं अभी आपको बताऊंगी ओके तो रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं इट इज़ अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मतलब साथ में ठीक है अब ऑक्सीडेशन क्या होता है रिडक्शन क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वर्ड में आपका ऑक्सीजन आ रहा है ठीक है तो ये समझ लो कि जब ऑक्सीजन ऐड होगा किसी चीज़ में तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन ओके एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन तो अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसे क्या बोलेंगे हम रिडक्शन इज दैट क्लियर तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्लियर है अब अगर उस रिएक्शन uh, में ऑक्सीजन हो ही नहीं तो तो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा होगा ठीक है तो इसके लिए हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के टर्म्स में इट्स ऑपोजिट जैसे अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एस ऑक्सीडेशन ठीक है लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन अगर इधर लॉस है तो भाई इधर गेन होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक दूसरे का उल्टा है ठीक है एंड सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है दोनों ही नहीं है तब हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन ठीक है फॉर क्लास टेंथ आपको फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट बहुत ध्यान से याद होने चाहिए ठीक है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन में देखो ऑक्सीजन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल भी रिडक्शन ठीक है अब ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा होता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन विल भी ऑक्सीडेशन और इधर उल्टा यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन विल भी रिडक्शन ठीक है अब क्स में ये लॉस सेकंड याद था तो थर्ड भी लॉस ही है मतलब एक गेन दो लॉस और इधर एक लॉस दो गेन ठीक है याद करने के लिए ओके तो अब हम इस पर सॉरी एग्जाम्पल्स करते हैं तो थिंग्स विल बी क्लियर तो हम एग्जाम्पल करते हैं एक रिएक्शन हो रही है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर एंड वाटर ठीक है तो अब ध्यान से देखो कॉपर ऑक्साइड था रिएक्टेंट में ये जाके क्या बन गया कॉपर तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन इसने क्या किया है लूज किया है है ना लूज किया है तो अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो क्या होगा रिडक्शन और इधर देखो H2 H2 एच टू यहाँ पे जाके क्या बन रहा है H2O मतलब इसने ऑक्सीजन क्या किया है गेन किया है और गेन किया है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन ठीक है तो आपको ऑक्सीडेशन कब हो रही है और रिडक्शन कब हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना है ठीक है तो ये तो हो जाएगा अब एक नया टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट का काम क्या होता है करवाना ठीक है तो बेसिकली अब ऑक्सीडेशन हो तो रहा है रिडक्शन हो तो रहा है लेकिन उसे करवा कौन रहा है ठीक है तो जो उसे करवा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एजेंट है ओके okay? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा रिएक्टेंट विच अदर दूसरे को क्या करे ऑक्सीडाइज वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा होगा ओके okay? सिमिलरली रिएक्टेंट विच रिड्यूस अदर दूसरे का रिडक्शन करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जाम्पल हम सेम रिएक्शन लेते हैं हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था और एच uh, टू uh, का ऑक्सीडेशन हो रहा था ठीक है अब देखो डेफिनेशन में बिल्कुल लिखा हुआ है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो हमेशा क्या होगा वो हमेशा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट नहीं होगा ठीक है प्रोडक्ट अगर मैं पूछती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है तो प्रोडक्ट में से नहीं बताना हमेशा क्या होगा रिएक्टेंट में से ठीक है तो देखो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा था रिडक्शन बट रिडक्शन हुआ किसकी वजह से हाइड्रोजन की वजह से ना ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तभी तो रिड्यूस हुआ वो तो हाइड्रोजन क्या हो गया उसका रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है सिमिलरली हाइड्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन ऑक्सीडेशन करवाया किसने कॉपर ऑक्साइड ने इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड इज दैट क्लियर एक और एग्जाम्पल करते हैं क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन इज एच टू एस प्लस सी एल टू गिवस यू एस प्लस एच सी एल ठीक है अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं तो हम ऑक्सीजन के टर्म्स वाली डेफिनेशन यूज नहीं करेंगे हाइड्रोजन के टर्म्स में यूज करेंगे ठीक है तो देखो एच टू एस किस में कन्वर्ट हो रहा है एस में मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है और हमने बोला था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज़ क्लियर और यहाँ पे सी एल टू के पास सी एल टू क्या बन रहा है एच सी एल मतलब हाइड्रोजन उसे मिल रहा है ठीक है मिल रहा है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन वॉज रिडक्शन तो हमें इतना समझ आ गया कि आपका ऑक्सीडेशन कब हुआ है रिडक्शन कब हुआ है अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बता है ठीक है अब इधर देखो एच टू एस का हुआ है ऑक्सीडेशन लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से क्लोरीन की वजह से ठीक है तो ऑक्सीडेश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया आपका क्लोरीन ओके ओके नाउ सी एल टू का रिडक्शन हुआ है एच सी एल में सी एल टू का रिडक्शन हुआ है बट हुआ किसकी वजह से एच टू एस की वजह से तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया एच टू एस याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों कहाँ से आते हैं रिएक्टेंट ओके एक और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड में बदल रहा है जिंक में ऑक्सीजन क्या किया इसने लूज किया ऑक्सीजन लूज किया मतलब क्या हुआ है रिडक्शन ठीक है कार्बन कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ कार्बन मोनो ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन का गेन हुआ तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन ठीक है अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ देखो जिंक ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन बट हुआ किसकी वजह से ऑब्वियसली सिर्फ इसके साथ कार्बन ही तो प्रेजेंट है तो उसी की वजह से हुआ होगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन किसका हुआ है रिडक्शन uh, uh, हुआ है आपका जिंक ऑक्साइड की वजह से सॉरी इधर मैंने गलती कर दी है जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था लेकिन हो रहा था कार्बन की वजह से तो कार्बन इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिंक ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके तो इसको करेक्ट कर लेना सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेडॉक्स रिएक्शन नाउ वी हैव अनदर टॉपिक करोजन एंड रैंसिडिटी ठीक है करोजन आपने बहुत बार सुना होगा जैसे आयरन रस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा जंग लगना ठीक है तो करोजन क्या होता है किसी भी मेटल का खराब होना तो होता क्या है जब कोई भी मेटल बहुत लंबे टाइम के लिए मॉइस्चर uh, के कांटेक्ट में आता है तो वो खराब हो जाता है फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपने देखा होगा तो जब कोई नई चीज़ आती है तो वो ऐसे होती है बट आफ्टर सम ईयर्स उस पर जंग लग जाती है और वो ऐसी हो जाती है सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ करोजन ओके तो अगर हमको डिफाइन करना है तो करोजन क्या होता है इट इज़ अ स्लो केमिकल प्रोसेस विच अल्टीमेटली डिग्रेड द मेटल बहुत ही स्लो होता है ठीक है सालों लग जाते हैं एंड इट डिग्रेड्स द मेटल क्वालिटी खराब करता है मेटल को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है फॉर okay. एक्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ए के टू ओ थ्री की लेयर बना देता है एक ठीक है और बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपनी शाइन लूज कर देते हैं सिल्वर वगैरह है ना करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ये तो सबको पता है ठीक है जंग लगना आयरन के लिए करोजन का स्पेशल टर्म है रस्टिंग ओके सो दैट मीन ऑल अबाउट करोजन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रैंसिडिटी ठीक है नया वर्ड है क्या होता है रैंसिदिटी? इट इज़ द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड लीडिंग टू बैड स्मेल एंड टेस्ट अब जैसा मेटल्स के साथ होता है सेम चीज़ खाने के साथ भी होती है फूड के साथ वो फूड जिसमें बहुत सारा फैट या ऑयल होता है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है अगर आप उसे खुले में रख दो तो ठीक है जैसे अचार खराब हो जाती है चिप्स खराब हो जाते हैं ये सारी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रैंसिडिटी बोलते हैं ठीक है थीके? तो इसकी इमेज दिखाने की तो ज़रूरत है ही नहीं आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी खराब खाना कैसे दिखता है राइट right. तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करते हैं कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर देखा है ना जब खाना पैक करके देते हैं तो एयर टाइट कंटेनर्स में देते हैं ताकि हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए वो ठीक है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दो खाना ठीक है तो जो ठंडा माहौल होता है वो क्या करता है रैंसिडिटी नहीं होने देता एंड लास्ट कीपिंग फूड इन एयर टाइट एयर सॉरी कंटेनर्स फिल्ड विथ नाइट्रोजन अब देखो ये क्या होता है uh, चिप्स का पैकेट देखा है आपने बहुत फूला फूला रहता है तो होता क्या है कि उसमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस वो uh, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए होता है ठीक है तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं रैंसिडिटी के लिए एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक शो